नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं लाइव, जहां चंदखुरी में सीएम भूपेश बघेल कई कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपके सारगर्भित उद्बोधन ने यहां उपस्थित हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के जन जन में ऊर्जा का नवीन संचार किया है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने जिन सपनों को देखा है, जिन योजनाओं की आपने घोषणा की है, जिन योजनाओं की कल्पना आपने की है, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन का हर व्यक्ति पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके मार्गदर्शन में। तो चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर, लेकिन उसके पहले एक ऐसे शख्स को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं, जिन्हें सूत्रधार के रूप में हमने हजारों मील दूर से यहां पर आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए बहुत ही प्रेमिल हृदय से यहां पर आने का आमंत्रण स्वीकार किया और सूत्रधार की भूमिका निभाने में अपनी सहमति दी। बहुत ही प्रेमिल हृदय आदरणीय भाई श्री डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, अनिल भेड़िया जी, महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय अमते शुक्ल जी, आदरणीय महाराज चिंतामणि जी, छाया वर्मा जी, गिरीश देवांगन जी, आदरणीय ममता चंद्राकर जी, अनीता शर्मा जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय भाई अमर नायक जी, साथ ही चंद्रदेव राय जी, एजाज ढेवर जी, कुलदीप भाई, डॉक्टर प्रेम साय सिंह पंखा के पीछे दब गए थे, स्थिति नहीं देख पा रहे हैं, भाई कोमेश्वरी वर्मा जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, निखिल द्विवेदी जी, नरेश ठाकुर जी, चित्रलेखा साहू जी, भाई शैलेश जी, भाई ज्ञानेश जी, भाई विकास उपाध्याय जी, भाई अग्नि चंद्राकर जी, आदरणीय आर एन वर्मा जी, दोनों साहू जी भी बैठे, अमर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, दूध महासंघ के अध्यक्ष, भाई अमर डोंगर गांव के विधायक और साथ में होकर बगल में बैठे भानु भाई, पीछे में हमार बहुरिया सकून भी बैठे हैं, खूब आशीर्वाद भाई, हमार बस्तर के बीजापुर के विधायक भाई विक्रम मंडावी जी, भाई राजमन बेंजाम जी, बहुत जन साथी, भाई स्वर्णकार जी, सब साथी मन दिखा थे, हमर संत नेताम जी, सब साथी मल्ल सादर अभिवादन करते हुए संगठन से भी निगम मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत जन सब साथी मनाए होकर मल्ल सब स्वागत अभिनंदन करते हुए
हमर बहुजन संत समाज के आए उमल प्रणाम करते हुए बहुत दूर दूर से सब साथी मन यहाँ है माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन करे बर कार्यक्रम में शामिल हो बर सब मन के मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए सब जन प्रणाम करते हुए बहुत जन पत्रकार मन आए हमारे रायपुर के भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी पत्रकार आए सबके मैं स्वागत करत हूँ अभिनंदन करत हूँ। माता कौशल्या के नगरी जेल हमन दक्षिण कौशल कैथन धरती प्रणाम करते हुए यहाँ चंदखुरी में माता कौशल्या विराजे है वो नगरी ल प्रणाम करते हुए नवरात्रि के आप सब ल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के शुरुआत करें। पहले कुछ साथी मन विधायक साथी मन डॉक्टर जायसवाल जी अनूप नाग जी एक मन के नाम मैं नहीं ले पाया बहुत जन साथी जगर मन के नाम नहीं ले पाए वो सबसे क्षमा चाहते हुए सब जन अभिनंदन जय जोहर। आज इसे लगा कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में आए के बाद आज जिन वातावरण है ऐसे लगा थे कि माता कौशल्या भगवान राम लल्ले के अपन मई के पधारे है अपन ननिहाल आए ऐसे हम सब लगा थे। कते सुंदर वातावरण कते सुंदर दृश्य अते सुंदर भजन के कार्यक्रम सबके उपस्थिति ये दर्शाते कि माता कौशल्या अपन मई के आए और आगमन से न केवल चंदखुरी में बल्कि छत्तीसगढ़ में एक उत्साह के वातावरण सब जन महसूस करा था। अभी ताम्रत ध्वज भैया के जन भाषण केस के सब काम एक तरफ और ये जिन काम है तेन एक तरफ ही कभी नहीं भुलाया जा सके वो काम आज चंदखुरी में कर शुरुआत हमन करे हैं। ये छत्तीसगढ़ जमे भगवान राम के मई मुनियारो और ओकर सेती छत्तीसगढ़ में हमन अपन भाचल राम के रूप में देखथन भाचल प्रणाम करथन के राम के रूप में हमर भाचा है और हमर छत्तीसगढ़ में भगवान राम के अतेक प्रभाव आदि काल से चले आते जेकर बारे में वर्णन करूं बहुत लंबा समय लगे। भगवान राम के बारे में यह रामायण में हमर पुराण में वाल्मीकि रामायण में जहां एक उल्लेख मिलते वही हमर लोकगीत में लोक संस्कृति में लोक व्यवहार में भी राम के प्रभाव हमर छत्तीसगढ़ में है और जहां वनवास के समय हो अतेक चिन्ह यहां छत्तीसगढ़ में मिलते जेकर से लगते कि भगवान राम सबसे ज्यादा समय हमर छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 14 साल में कम से कम 10 साल के समय है तेन छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। एक अर्थ ये होते कि भगवान राम जिन युवराज राम री से जिन राजा राम री से वो राजा राम जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने में जिन यात्रा हो है वो यात्रा में छत्तीसगढ़ के विशेष भूमिका रहे है चाहे माता कौशल्या के उकर संस्कार दिशते कारण से या छत्तीसगढ़ में 14 साल में 10 साल गुजारे है और यहाँ के साथ यहाँ के वनवासी मन के साथ यहाँ के किसान मजदूर मन के साथ यहाँ के निवासी मन के साथ नागरिक मन के साथ जन रहे है तेमें निश्चित रूप से भगवान राम के जन व्यक्तित्व है वो निर्माण में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़े योगदान रहे। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं वही पाए कि हमारे पुरखा मन कोई भी काम शुरू करते तो राम से शुरू करते हम धान ला नापथन कावर के हमारे छत्तीसगढ़ रहते ना धान के कटोरा कहे जाते धान ला नापथन तो पहली राम के था हमन कागरों से मिलथन तब बोला राम राम से संबोधित करथन विदा होथन तब राम राम कहथन सुख में राम
दुख में राम, सूत के उठन तब राम, सूते पहली राम। आओ तो आओ, जब कोई भी शुभ कार्य होते तब हम राम ल स्मरण करके शुरुआत करते हैं, और राम ल कभू मत भूलान, तेकर रहते हमारे पुरखा मन सियान मन अपन।